अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टुडे वाली वीडियो भी आज हमारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा अडोब फोटोशॉप के अंदर आप अपनी पिक्चर के ग्लासेस का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, ग्लासेस के अंदर बैकग्राउंड भी आप यूज कर सकते हैं। तो देन हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई इस चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो टुडे का आज का हमारा ये सब्जेक्ट है, इसके हमने ग्लासेस चेंज करने हैं। तो ग्लासेस के अंदर कुछ डिफरेंट करने की सोचेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको कुछ डिफरेंट करके दिखाऊंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है मैंने अडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लिया हुआ है। तो आज मैं आपको रियली इसके ग्लासेस कलर चेंज करना या ग्लासेस को कुछ डिफरेंटली करना, तो देन हम टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देन ये देख सकते हैं आप, ग्लासेस को चेंज करते हैं। इंशाल्लाह देखें आप वीडियो को फुल एंड तक वॉच करें, इंशाल्लाह आपको वीडियो का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कटिंग करेंगे, ग्लासेस की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैं ग्लासेस की टूल्स की मदद से कटिंग कर रहा हूँ जी। ये देखें, कटिंग टूल की मदद से मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो वेरी इजी मेथड है, इंशाल्लाह आप यूज़ करें, वीडियो देख के तो आप काफ़ी ज़्यादा बेटर देन कर सकते हैं इसे जी। ये देखें, मैं ये इसकी कटिंग कर रहा हूँ। आप किसी चीज़ से भी कटिंग कर सकते हैं, किसी भी टूल से। तो लाजमी ये नहीं है कि इसी टूल से कटिंग करें, लेकिन मुझे इसकी ये कटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो एक ग्लासेस की हमने कटिंग कर ली है। अब दूसरी ग्लासेस को कटिंग करने के लिए शिफ्ट डिप करके रखूँगा, इधर से जो है ना शुरू कर लूँगा मैं। ये देखें आप, शिफ्ट को डिप करके रखा हुआ है। तो इधर से इजी मेथड के अंदर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें अलग अलग ग्लासेस को कटिंग कर सकते हैं, तो ये देखें, ये देखें हमने कटिंग कर ली अब इस ग्लासेस की। अब हम इधर से कंट्रोल जे दबाएंगे, ये देखें ये ग्लासेस हमारी अलग हो गई हैं। तो अभी कुछ डिफरेंट करेंगे। अब मैं बैकग्राउंड ओपन करता हूँ, मैं सोच यही रहा हूँ कि इसके अंदर बैकग्राउंड इन करूँ। तो बैकग्राउंड ग्लासेस के अंदर किस तरह इन करते हैं, इसकी तो हमने डुप्लीकेट लाइट कर लिया ग्लासेस की, ये देख सकते हैं आप। तो कंट्रोल को डिप करके रखूँगा, तो इधर से माउस की मदद से इधर क्लिक करूँगा, तो वो हमारी सिलेक्शन जो है ऑलरेडी ग्लासेस के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, इधर से मैं हमारी ग्लासेस की कटिंग हो चुकी है। अब मैं बैकग्राउंड को उठा के तो उसके ऊपर पेस्ट करूंगा, तो दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं अनलॉक कर लेता हूँ, इसे उठा के अपनी लाइट के ऊपर, पिक्चर की लाइट के ऊपर इन करता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है, तो इसे मैं इसे इसकी आइज़ के ऊपर सेट कर रहा हूँ, लो करके देख लेता हूँ इधर से। तो ये परफेक्ट लग रहा है, हाँ ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो अब इसकी फिर एक डुप्लीकेट लाइट करूँगा दूसरे ग्लासेस के लिए, तो इधर से उठा के जी। ये देखें, ईजी मेथड है, तो इंशाल्लाह आप यूज़ करें। ये देखें, मैंने ये बैकग्राउंड जो है दोनों को अलग-अलग से ग्लासेस के ऊपर रख दिए हैं, तो मर्ज डाउन करूँगा, ये हमारी लायरें जो हैं एक हो जाएंगी, दो बैकग्राउंड की लायर से ये एक हो गई हैं। तो अब इसको फुल कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कीबोर्ड के बटन को कंट्रोल को डिप करके रखना है, एरो की मदद से इधर क्लिक करेंगे, ये हमारे ग्लासेस को सिलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। इधर से मैं कंट्रोल जे दबाऊँगा, तो देन ये आप देख सकते हैं हम ग्लासेस एक मिनट के अंदर अपनी चश्मे की ग्लासेस ये देखें एक मिनट के अंदर चेंज कर ली हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये इजी वर्क है, इंशाल्लाह आप यूज़ करें, वेरी इजी मेथड है। तो इंशाल्लाह अपनी पिक्चर्स की ग्लासेस को भी चेंज कर सकते हैं, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप स्टेप बाई स्टेप करें, आपको मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो जो भाई इस चैनल के ऊपर न्यू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे से मेथड लेके आ रहा हूँ, तो मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह हाफिज़।